तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं एक और अंदर डे का ब्लॉग। तो भाई हम आए थे रोशनदा की दुकान में, तो भैया की शॉप है यहाँ पे दादी में, तो इनसे भी मिलते हैं और काफ़ी अच्छी एडिटिंग करते हैं। और ये देखो आप, शादी से रिलेटेड आपको कुछ भी शूटिंग वगैरह करानी हो तो भैया की दुकान में आप आ सकते हैं। तो मैं बाहर से भी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ दुकान का। तो ये भैया की दुकान का नाम है JMTS वीडियोस करके, और यहाँ पे कोई शॉप है। तो चलते हैं, आप राइड करते हैं, भैया से लेते हैं अलविदा। तो भैया बाय बाय फिर। तो भाई साहब क्या प्यारी सी रोड है ये। थोड़ा स्ट्रेट में बना लेते भाई, तो रील्स वगैरह डालूंगा मैं शायद। तो भाई ट्रैफिक तो दिवाली के उससे बहुत ज़्यादा है रोडों पे, तो उड़ाने का बिल्कुल मौका नहीं है। तो उड़ाने का मौका मिला थोड़ा सा हमें, तो थोड़ा उड़ा लेते हैं भाई। तो गांव से अचानक सिटी में आके अलग ही होता है भाई, तो घुलने मिलने में भी आदत नहीं होती है अभी, तो इसलिए मैं थोड़ी क्रेजी टाइप की राइड कर रहा हूँ। तो ये भी अपना भाई है ये। चल भाई चल। तो दोनों बीस्ट खतरनाक ही लग रही है भाई। नवी गड्डी हाल ही में आई है भाई, ये नई बीस्ट आई है। हम भी अभी वेट कर रहे हैं भाई, थोड़े टाइम बाद ही लेंगे नई गाड़ी। तो काफी लाउड साउंड है मेरी जैनी की भी भाई। काफ़ी भयंकर लाउड वाली आ रही है, तो अपने पास भी छोटा हेलीकॉप्टर है भाई। 390 में लोग भाई का भी कई मस्त उतार है। क्रेजी टाइप की साउंड भाई साहब। मजा आया। क्या था क्रेजी तरीके से गया इसने, तो रोंगटे खड़े कर दिए मेरे भाई यहाँ पे। तो इस रोड में वीडियो बनाने के लिए अलाउड नहीं है भाई। आज काफी दिनों बाद शहर लौटा हूँ मैं भाई साहब, क्या व्यू आ रहा है। दोनों भी भाई साहब लोकेशन, तो सीधी रोड है तो थोड़ा हम भी खींच लेते हैं। तो भाई साहब लोकेशन तो कहीं मस्त भी है, दिखाता हूँ मैं ओवरव्यू अभी। कहीं पे रोक के भाई, ऊपर वाले डाने पे रोक के अच्छा दिखेगा। काफी सीधे खेत हैं यहाँ पे देखो यार, और बहुत प्यारी लोकेशन है भाई, और ऐसे डाने हैं भाई साहब। और वो सामने दिख रहा होगा आपको, वो एयरपोर्ट है। और यहाँ से दिखता है कुछ सिटी का ऐसा खूबसूरत सा व्यू। वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी यार, वो ऊपर वाले पहाड़ पे पहुँच चुका है वो भाई देखो। अब बताओ हमने कहाँ खो गया भाई। हमने कहाँ खो गया, अब निकलते हैं भाई। बैठ। भाई काफ़ी खूबसूरत से पहाड़ आ चुके हैं, मेरे दूसरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा आपने, हम पिछली बार उधर गए थे तो काफ़ी मस्त प्यारी सी लोकेशन थी वहाँ भी। आज हम ऊपर वाली रोड पे जाएंगे भाई, यहाँ पे था यार लोकेशन ना।
नहीं है फिर नीचे वाला अच्छा है ना। तो भाई साहब क्या प्यारी लोकेशन है भाई साहब, रुक जाते हैं यहाँ पे, सिटी व्यू के सामने लगाते हैं बाइक। तो ये जो सामने आपको गांव दिख रहा है इसका नाम पावे है, जो इजी टाइप का बंदा है समझ सकना इसको, इम्पॉसिबल है भाई। ऐसे टाउन में भी फुल थ्रॉटल दिया जा रहा है वो गल पे सू। वो देखो भाई, तो भाई काफ़ी खूबसूरत सी जगह थी, मज़ा आया यहाँ पे थोड़ी देर चिल करके। इस खूबसूरत से जगह से लेते हैं अब अलविदा, हम निकलते हैं नीचे को। तो काफ़ी प्यारा माउंटेन है ये भी, पिथौरागढ़ का कनारी पापे का टॉप है भाई ये। तो अब चलते हैं भाई नीचे को, फिर दिखाते हैं क्या कुछ करता है भाई। अब एक रील तो शूट करी है, अब पता नहीं कैसी बनी है, घर जाके देखता हूँ भाई। बैठो भैया ना कुछ भाई आ ही लीजिएगा। तो भाई गड्ढे गड्ढे पड़े हैं भाई रोड में, ये है देखो कैसा एग्रेशन वाला लुक दिखा रहा है। तो यार एक और जने की कमी खल ली है, अभी एक राइडर कम है, अगर वो राइडर होता तो मज़ा आ जाए। मज़ा आया भाई ऐसी राइड करने में। तो अपनी भी उड़ती है, ऐसी बात नहीं है जेनी को भी, अगर उसका एक थ्रॉटल और हमारा दो थ्रॉटल ऐसा बात बराबर है।